हनुमानगढ़ जंक्शन में ग्रिफ चौराहे के पास निर्माणाधीन सदर थाने के निर्माण कार्य में कथित रूप से घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करने का एक मामला सामने आया। आरोप लगाते हुए सदर थाना के थानाधिकारी ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया। वहीं इस्तेमाल की जा रही ईंटों को सही साबित करते हुए ईंट फर्म ने थानाधिकारी पर तानाशाही रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगा दिया। फर्म के संचालक गणेश बंसल ने बताया कि आरएसटीसी और निर्माण एजेंसी की ओर से क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ईंटें इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। पुलिस लाइन के अंदर पुलिस स्टेशन सदर की बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, जिसमें ठेकेदार एजेंसी सतीश कुमार एंड कंपनी है और इसकी कार्यकारी एजेंसी आरएसआरटीसी राजस्थान स्टेट रोड कॉरपोरेशन है। बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। बिल्डिंग में जो ईंटें आ रही है वो मेरे भट्ठे से हैं। ईंटें उच्च क्वालिटी की हैं, पूरी स्ट्रेंथ में हैं, लेकिन जो पुलिस स्टेशन सदर का SHO है राजाराम लेगा, वो अपने तानाशाही के जरिए ये ईंटें लगने से रोक रहा है। कह रहा है जी ये ईंटें ख़राब हैं, जबकि क्वालिटी में वह स्ट्रेंथ में और मशीन में नाप में ये उच्च क्वालिटी की ईंटें आ रही हैं। सदर थाना की एक नई बिल्डिंग जो बन रही है बाई पुलिस लाइन कैंपस में बाईपास रोड पर, तो उसका भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। जो वहाँ पर जो हमारे जो जिस काम की जो क्वालिटी को मॉनिटर करता है वो हेड कांस्टेबल रिटायर्ड एक्समैन है, उन्होंने एडिशनल साहब मुझे ये कॉल किया था कि यहाँ पर जो ईंटें आ रही है वो थोड़ी सी पुअर क्वालिटी की और घटिया किस्म की ईंटें जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर आई है। तो मुझे उच्चाधिकारियों ने निर्देश दिया कि आप भी मौके पर जाके देखें कि कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज हो रहा है वो प्रॉपर। जो देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।